इसमें मेहनत लगेगी। पहले 10 ओवर में दो विकेट चटकाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि 10 ओवर में डैमेज हो सकती है। आप ना थोड़ा सा वो रन चेज को ब्रेक कर सकते हो, कि आप जैसे जो रोहित करते हैं आजकल, पहले 10 में 80 बना दो। पहले 10 में 80 बनाए पहली इनिंग्स में, तो आपने जाके 240 बनाए, बाकी 40 ओवर आप स्ट्रगल करते नजर आए हो। लेकिन अगर कहीं ये 10 में 80 बन गए बैटिंग सेकेंड, तो फिर ना वो टारगेट जो चाहिए वो बहुत छोटा नजर आता है। तो पहले 10 ओवर में दो विकेट, 42-43 रन, दैट्स इट। उसके बाद रविंद्र जाडेजा, कुलदीप यादव, नो ड्यू टुडे, और उसके बाद फिर जीती जीते। बिल्कुल जीती जीते पिच के ऊपर आप बात कर रहे हो। शोएब भाई भी आ चुके हैं, शोएब भाई का भी स्वागत है द क्रिकेट शो में। शोएब भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस, थोड़ा सा आपका पहला रिएक्शन क्या है? 240 पर आउट हुए, किस तरीके की पिच है, क्या ये पिच पर डिफेंडेबल स्कोर है, आपका पहला रिएक्शन? और शोएब भाई आपने तो ये भी कर दिया था, डिफेंडेबल नहीं विनेबल है। जी जी, ये जीतने वाला स्कोर है आपका। अच्छा। मैं आपको बना नहीं रहा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये वाकई जीतने वाला स्कोर है। और इसमें हिंदुस्तान ने अपना फाइटिंग चांस ले लिया। रोहित शर्मा मेरा भाई हमारी बात सुन ले, आकाश भाई की बात सुन ले एक दफा, तो ये विकेट को समझ गया था, वो ही कर सकता था ये इस विकेट पे 300 और 300 प्लस, और किसी में इतनी ताकत नहीं है इस विकेट को समझने के लिए। तो वो कर लेता तो बड़ी जिंदगी आसान हो जाती है आपकी, और आप आराम से 325 में खेलते और इनको आप 200-220-230 पे आउट करते। अब मैच वही बात आपके वो आ गई है। देखो यार एक बात तो आप मानोगे, इस वर्ल्ड कप में आपने बात माननी कि नहीं माननी कि ये वर्ल्ड कप हिंदुस्तान को बॉलिंग जिताएगी जी, और आज भी यही काम होने जाएगा। अगर ये वो काम कर गए तो दोबारा प्लीज बैटिंग का नाम ना लीजिएगा, और आप ये कहिएगा कि 2023 का पूरा वर्ल्ड कप ठीक है। बैटिंग मुश्किल थी यहाँ पे, बहुत मुश्किल थी, लेकिन ये डिफेंड करना, ड्यू समेत डिफेंड करना, अच्छा विकेट जुड़ेगा इसमें, आपको रन फ्लो से मिलेंगे। अगर यहाँ पे ये इंडियन बॉलिंग जो इसमें रोकने में कामयाब होगी तो मैं कहूंगा यार वेल डन, वेल डन, आपसे बेहतर टीम कोई नहीं है भाई साहब। और ये हो चुका है इसी टूर्नामेंट में, ये हो चुका हुआ लखनऊ में, ये हो चुका हुआ 227 पे आपने उनको 100 के मार्जिन से हराया हुआ इंग्लैंड को। तो ये हो चुका हुआ, कोई अनोखी बात करने नहीं जा रहा इंडिया, कोई अजीब बात नहीं होने जा रही कि इंडिया ये डिपेंड नहीं कर सकता, ये कोई अजीब बात नहीं है, ये बिल्कुल रियलिटी बेस्ड एक चीज में एनालिसिस दे रहा हूं। अगर इंडिया पहला आधा घंटा को पकड़ गया दे नॉट गोना बी एबल टू कम बैक बिकॉज इनका मिडिल ऑर्डर वो नहीं है जो आपका है। बिल्कुल, और एक फर्क होगा, सिर्फ एक फर्क होगा, जो शोएब बात करें बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपने इंग्लैंड को वो पकड़ा था और 100 रन से जीते थे यहाँ, और वहां में सिर्फ एक फर्क ये होगा कि वहां पे ना पेस बोलिंग से आपने अटैक किया था, उसमें शामी की 4 विकेट थी, फिर 3 विकेट एक और फास्ट बॉलर की थी, स्पिन के बहुत कम वहां पे योगदान आया था, यहाँ उल्टा होने वाला है। यहाँ पे आपको जसप्रीत बुमराह की वो फिंगर मारती हुई स्पिन नजर आएगी, और शुरुआत में पहले 10 ओवर में भी आपको दिखेगा कि आखिर वो ना स्लोअर वन ऐसे डालेंगे। और जाडेजा, कुलदीप आज के हीरो जो हैं, वो एक्चुअली जो विकेट्स कॉलम जो भरेगा जब अगर भारत जीतता है तो उसके लिए फिर वो उस तरीके से होगा, स्पिन भरेगी कॉलम, बाकी सब सपोर्ट रोल प्ले कर सकते हैं, पर जो शामी ने किया था 4 और उन्होंने शायद 3 ली थी बुमराह ने, तो वो वाला काम आज थोड़ा स्पिनर को थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि पिच उस तरीके की। आपने ट्वीट में भी एक्चुअली जडेजा का नाम लिख के कहा था कि कंट्रीब्यूशन मेरा से, आज मुझे उनसे बैटिंग की भी उम्मीद थी यार, मुझे लगा था आज ये बंदा ना बैटिंग, क्योंकि उसकी बैटिंग आनी थी, लग गया था जब शुरू में 2-3 गिरे बैटिंग आएगी आएगी जैसी चल रही है, और इनफैक्ट उसको ऊपर भी बैटिंग करने के लिए भेज दिया गया, हाँ वो आउट हो गया। एक्चुअली उसी समय रिवर्स स्विंग होना शुरू हुआ था, ऑलमोस्ट 3 बॉल पहले दिखा था हिंट ऑफ रिवर्स स्विंग, और फिर उसके बाद खट करके वो रिवर्स स्विंग पे एज लगता है। अच्छी बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर काम अभी आधा ही हुआ है। बिल्कुल, अभी वो अगर आपने बॉलिंग अच्छी कर ली है, पिच अच्छी है, लेकिन आकाश तारीफ करेंगे यार, तारीफ करेंगे ऑस्ट्रेलियन कैप्टन की यार, बहुत अच्छी कप्तानी की यार। ये बात यार बात मानो कि आकाश देख पॉइंट पीछे रखा, डीप पॉइंट पीछे रखा, अग्री यार, उसने वॉली टू द प्लान्स किए, अच्छा वो मैप करके आए हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है यार जो भी हो जाए, हमने रोहित शर्मा को पकड़ना ही पकड़ना है, लगाओ क्लैन मैक्सवेल को। यार ये बात तो आप मान जाओ आकाश, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, हम दोनों क्रिकेटर जानते हैं बड़े मैच और फाइनल कैसे खेलते हैं, इनसे बेहतर को नहीं जानता यार, आता है इनको। यार ये बात सच है, हमारी अपब्रिंगिंग में वो चीज नहीं है, हम सीधा सीधा इधर से उठते हैं ठक करके वहां आ जाते हैं, ये तो भाईजान पूरा एक सिस्टम के थ्रू ऊपर आते हैं, इनको पता होता है, इनके ना आंख में गुस्सा है ना गर्मी है,
ना इस पर प्रेशर है, कितने मजे से संभाला हुआ प्रेशर इसने, कितने मजे से उसने सूर्य कुमार यादव को बॉलिंग कराई है उसने, और कोई पैनिक नहीं किया। और ये वही बॉलिंग लाइनअप थी जो इंडिया की इस स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को रोक सकती थी। और इस दुनिया में किसी बॉलिंग के खिलाफ ताकत नहीं है कि इंडिया को ऐसे रोके। और इस जिस तरह इसने रोका है, जिस तरह इसने फील्ड प्लेसिंग सेट की है, जिस तरह इसने अटैक किया है, यार ग्रेट कैप्टनसी। आई मीन लाइक आई एम वेरी इंप्रेस्ड। व्हाट डू यू थिंक? अग्री अग्री भाई, बिना कवर्स के बॉलिंग कर दी यार। कवर्स के ऊपर फील्डर ना हो, मतलब ओडीआई क्रिकेट में मजाक हो रहा है क्या? और ये वो वाली 70 ओवर पुरानी वाली रेड कुकुबुरा एजी टेस्ट की बॉल नहीं है जो रिवर्स हो रही हो। तो कवर्स खाली छोड़ के बॉलिंग करना, यहाँ पे 3 एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक मिड ऑन पे फील्ड लगा के लगातार छोटी डालना, उंगलियां फेरना, आई मीन अच्छा किया इन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं है। और व्हाट अबाउट द फील्डिंग यार? लड़े है ना फील्ड में जी, मैंने ऐसी लड़ाई नहीं देखी यार। आई मीन लाइक सीरियसली, पहले 20 रनों में 8 रन उन्होंने सेव कर लिए थे गिर गिर के। और व्हाट अबाउट द कैच ट्रेविस हेड का? आई मीन लाइक यार इमेजिन यार, इट इज अटरली सो स्टूपिड टू सी द एथलीट्स आर पुशिंग बाउंड्रीज लाइक दिस। पहले ही दायरे में उनकी 10 डाइवें लग चुकी थी और 10 डाइवों पे 10 ही सेव हुए थे और दो सेफ हो रहे थे, 3 सेफ हो रहे थे या 2 सेफ हो रहे थे, सिंपल पीरियड। तो आई थिंक इट इज अमेजिंग टू सी यार के ऑस्ट्रेलिया जितना अच्छा खेलता है यार प्रेशर गेम में, इट इज अमेजिंग टू सी दैट। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन खेल दिखाया। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत से ही